जो मतलब मैंने सोचा है कि नवरात्रि वगैरह में एक आध दिन इसको बढ़िया सा स्टाइल करूंगी, यदि कहीं वर्क वाला है। देखो इसके नेक पे कुछ इस तरह का। नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो बिल्कुल देरी नहीं हुई है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए मेरी इस हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा, क्योंकि ये चैनल इतना इंटरेस्टिंग है, इस पे बहुत सारे तरह के वीडियो आते हैं। मेरी लाइफ बिल्कुल टीवी सीरियल के जैसी है, कुछ ना कुछ इसमें कंटिन्यू चलता रहता है, तो नेक्स्ट एपिसोड क्या होगा मैं खुद नहीं जानती हूँ। तो उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जब एपिसोड्स नहीं होते हैं तब मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ, शॉपिंग से रिलेटेड बातें बताती हूँ। तो भाई हुआ यूँ कि बहुत दिनों बाद ना मैंने मिंत्रा से अपने लिए शॉपिंग करी। इतने में मीशो से चल रहा था, और सच बताऊँ ना तो मीशो के तो इन्फ्लुएंसर्स का राज होता है, तो वो राज चल रहा था। तो मैंने खुद के लिए ना सेपरेटली ऐसे कुछ लिया नहीं था बहुत दिन से, तो यार वो फीमेल गिल्ट आने लगता है ना कि यार बहुत दिन से शॉपिंग नहीं करी, कुछ तो लेना है कुछ तो लेना है। बहुत दो अच्छी इंटरेस्टिंग सी चीजें दिखी, मिंत्रा पे ऑर्डर कर दी, और एक तो मैं ऑलरेडी वेयर भी कर चुकी हूँ। तो भाई ये दोनों चीजें मैंने मिंत्रा से बुलवाई हैं, दोनों बहुत अपोजिट है। एक है ये, इसको नाइट वेयर भी बोल सकते हैं, जैसे मैं तो अब घर में सूट ही पहनती हूँ, तो ये मैं इसको नाइट सूट के लिए ही यूज करती हूँ, लेकिन आप यदि दिन भर भी ऐसे चीजें पहनते हैं तो आप इसको कॉट सेट बोल के भी दिन भर यूज कर सकते हैं। और एक बुलवाया है आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए, बहुत सुंदर सा कुर्ता सेट, बहुत प्यारा सा, जो मतलब मैंने सोचा है कि नवरात्रि वगैरह में एक आध दिन इसको बढ़िया सा स्टाइल करूंगी, यदि कहीं गए तो देखते हैं कैसा होता है। तो मैंने सोचा था कि इसका पूरा अनबॉक्सिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन सब्र मुझसे होता कहाँ है, तो ये पड़ा है मिंत्रा का पार्सल, मिंत्रा का है ये, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बस ये आया था जिस दिन मैं नांदेड़ जा रही थी ना, उसी दिन सेम डे डिलीवर्ड हुआ था, तो मुझे बिल्कुल भी सब्र नहीं थी। मैंने फटाफट से खोला, पैकिंग साइड में रखी और पहले इसको ट्राई किया। ट्राई कर रही थी तो सोचा कि रील शूट कर लेती, तो रील शूट भी कर ली, और बीच में कुछ पोस्ट करने को बचा नहीं था तो मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अब मैं इसका फुल ब्लॉग बना रही हूँ ताकि मैं आपकी इसकी डिटेल्स, इसकी प्राइस सब कुछ बता सकूं, और साथ ही साथ इसको यदि आपको भी बाय करना हो तो इसकी लिंक भी दे दूंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंफर्टेबल जोन नाइट सूट से। ओके, तो ये कप्तान सेट है, दोनों ही लिबास ब्रांड के हैं। ये कप्तान सेट है और ये इसका पैंट है, प्योर कॉटन, मल कॉटन वाला इसका कपड़ा है, बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। एंड प्लाजो पैंट देखो कितना ज्यादा मतलब बड़ा है, ये तो डबल एक्सेल है, इतना बड़ा है, इससे भी यदि प्लस साइज, आप ट्रिपल एक्सेल भी अवेलेबल था, एम टू ट्रिपल एक्सेल अवेलेबल था, और लिबास ब्रांड का है ये। प्राइस की बात करूं तो सिर्फ 730 रुपीज, 730 रुपए का मुझे रिसीव हुआ है। और इसकी ना सबसे अच्छी बात है, इसमें दोनों साइड अच्छे खासे स्पेस वाले पॉकेट्स हैं, दोनों भी साइड। तो ये तो हो गया इसका पैंट। अब बात करती हूँ इसके अपर वेयर। सो ये है इसका अपर वेयर जो है वी नेक का, और ये भी मल कॉटन का है और कफ्तान पैटर्न का है, मतलब पूरा वो जो स्क्वायर पैटर्न आता है ना ये वो है। और साथ में आगे इसमें दी हुई है दो डोरियां, तो जिससे आप बांध के इसको आपके फिट का बना सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल लगेगा, बहुत मजा आएगा इसको वेयर करने में। मैं इसको नांदेड़ लेके भी गई थी, मैंने इसको पहना, बहुत प्यारा लगा। देखो यहाँ अटैच किया है कि मैंने इसको जब ट्राई किया था ना, इतना कंफर्टेबल लग रहा था, ऐसा लग रहा था इसको पहन के सो जाती हूँ। मतलब इतनी भी कंफर्टेबल कोई चीज आना चाहिए ना भाई, कि परफेक्ट लगे जो आपको, आपकी बॉडी के ऊपर। मुझे चेक करना पड़ता है मेरा माइक चालू है या नहीं। तो ये मुझे रिसीव हुआ सिर्फ 730 रुपए का, और 730 रुपए में तो मार्केट में मुझे ऐसी क्वालिटी और ऐसा मिलेगा ही नहीं। और सबसे मजेदार है इसका कॉटन का कपड़ा, जो आपको ना बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करवाएगा, और अभी जो चिपचिपी गर्मी हो रही है ना उसमें तो आपको एकदम होम फील करवाएगा, होम ही फील करवाएगा। तो यदि आपको ये सेम ब्रांड, सेम नाइट सूट बाय करना है तो इसकी लिंक मैं यहाँ शेयर कर दूंगी, और मैंने बाय किया है तो मैं आपको शेयर कर रही थी यहाँ पे। मतलब बहुत प्यारा सी चीज है। अब ये जो सूट है ना, ये आपने कहीं ना कहीं तो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा था, तो इतना वायरल हुआ है। लिबास ब्रांड का ही है ये कुर्ता सेट। ये इसको आई थिंक क्या बोलते हैं, हाँ नायरा कट का ये है, जो साइड से कट आता है अनारकली जैसा दिखता है, नायरा कट का। ये भी कॉटन का ही है लेकिन वर्क वाला है। देखो इसके नेक पे कुछ इस तरह का वर्क है,
स्लीव्स पे ऐसे गोटा लगा हुआ है, दोनों ही स्लीव्स पे। और बाकी जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है वो है इसकी ये चौड़ी सी बॉर्डर, जो कुछ इस तरह की बॉर्डर है और कट वर्क वाला वर्क है। और इसका बैक भी थोड़ा सा डीप हो है, हल्का सा डीप बैक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने डोरी प्रोवाइड की है। और इसका जो असली प्राइस है ना वो है 4,499 रुपये, 4,499 रुपये का ये सूट। लेकिन मुझे कितने में मिला है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। और फिर ये है इसका पैंट, जो बहुत ही प्यारा सा पैंट है। और ये पैंट पे भी ना ऐसी लगी हुई है, और ये फुल फ्लेयर पैंट है, मतलब ऐसे स्ट्रेट पैंट नहीं है, ना ही ये वो है क्या बोलते हैं उसको, शरारा गरारा, बट ये फ्लेयर्ड प्लाजो टाइप का बोल सकते हैं हम इसको, ये फ्लेयर्ड प्लाजो है। एंड अगेन मैंने हमेशा बताया है कि जिस सूट के पैंट में पॉकेट्स होते हैं वो मेरा फेवरेट होता है, तो अगेन इसमें भी दोनों साइड पॉकेट्स हैं, तो ये मेरा फेवरेट है। वैसे ना लिबास ब्रांड का यदि आप कोई भी कुर्ता सेट या कुछ भी बाय करेंगे तो उसमें हमेशा आपको पॉकेट्स मिलते ही हैं, तो पॉकेट्स के लिए आपको उसके लिए वरी नहीं होना पड़ता। हाँ, उसमें तो मिलेंगे ही, ये ऐसे बेफिक्र होकर आपको उसको ले लेना चाहिए। तो ये है। और अब बताती हूँ मैं इसका दुपट्टा, तो कॉटन का ही प्यारा सा इसका दुपट्टा है, लहरिया जैसा प्रिंट बना हुआ है उस पे, और ऐसी पतली सी छोटी सी समोसा लेस लगी हुई है। देखो इसका ट्रायल मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ साथ साथ में कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने इसको ऐड जब डाला ना, पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, तो सब लोगों ने इस सूट की मुझसे वापस लिंक मांगी, लेकिन दैट टाइम मैं बिजी थी और मुझे लग रहा था कि मैं पहले मेरी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं इंस्टा पे भी उसकी लिंक शेयर करूंगी। तो इसलिए अभी तक मैंने लिंक शेयर की नहीं है, अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक शेयर करूंगी। तो इसके प्राइस की बात करें तो ये मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ 1930 रुपये का, 4,000 साढ़े 4,000 रुपए का सूट डिस्काउंट के बाद मुझे रिसीव हुआ है 1930 रुपए का। मतलब सेल चल रही थी तो भाई, मतलब स्टील का डील था यार, इतना कंफर्टेबल है। देखो आप, मैं यार शेयर करती हूँ, इसमें एक और कलर अवेलेबल है येलो कलर, बट ये पिंक मुझे ज्यादा पसंद आया और मेरे पे बहुत खिल भी रहा था। पिंक कलर तो ऐसा है कि हम लड़कियों का फेवरेट ही रहता है, चाहे हम उससे एग्री करें या ना करें, हमारा फेवरेट ही होता है पिंक कलर, और हम उसमें बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। जैसे मुझ पे भी देखो ये कितना ज्यादा प्यारा लगा, इसका बैक वगैरह, इसका फिट, ओ माय गॉड, एवरीथिंग इज वाज सो परफेक्ट, मतलब सो एलिगेंट, इट्स लाइक जस्ट लुकिंग लाइक वाओ। ओके, तो ये ऐसा सूट था। और प्राइस भी इसका मतलब ओके ओके प्राइस है, मतलब बहुत हाई प्राइस नहीं है, बहुत लो भी नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी के हिसाब से परफेक्ट प्राइस है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। तो इसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कम्युनिटी पोस्ट पे, और नहीं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं दे दूंगी। और ऐसे कमेंट मत किया करो कि आप लिंक नहीं देती हो, भाई मैं लिंक देने ही बैठी हूँ, मुझे और क्या काम है यहाँ पे, यदि मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे लिंक आपको देना ही देना है। और साथ ही साथ मैं प्लान कर रही हूँ एक क्वेन ब्लॉग, मतलब क्वेश्चन आंसर ब्लॉग, आपको मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे इंस्टाग्राम पेज से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो, पर्सनल प्रोफेशनल, तो आप मुझसे इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं अब अगला ब्लॉग मेरा क्यूएन ही आएगा, अभी मैं उसको वीडियो को मैं शूट करने वाली हूँ, तो जैसे ही करूंगी उसको तो उसमें आपके मैं आंसर दे दूंगी। तो यदि कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा, बहुत छोटा सा हॉल वीडियो नहीं कहूंगी इसको, मैं कहूंगी मेरे, मैंने जो शॉप किया है वो आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि आप मेरी फैमिली है। तो चलो मैं मिलूंगी फिर से कुछ नया लेकर। अपना ध्यान रखो, खुशियां बांटते रहो, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं ना नवरात्रि के लिए आउट ऑफ माइंड चल रही हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या पोस्ट करूं। तो यदि आपके पास कोई आइडिया है नवरात्रि से रिलेटेड कि आपको 9 दिन तक आप ये सीरीज बना सकते हैं या ये कर सकते हैं, तो मुझे प्लीज लिख भेजिएगा इस कमेंट बॉक्स में, या फिर डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, राधे राधे, सी यू सून।